हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार्निवल ब्लॉग की एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। और आज ये बजाज की तरफ से आने वाली ईवी थ्री व्हीलर का हम लोग पूरा रोड टेस्ट लेने वाले हैं, ऑफ रोड टेस्ट लेने वाले हैं और इसका लोड टेस्ट लेने वाले हैं, यानी कितने लोगों को ये बैठा करके ये गाड़ी खींच सकती है। तो इन सारी चीज़ों का एकदम डिटेल्स में जानने वाले हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को एकदम अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैपेसिटी देख सकते हैं कितने लोग बैठे हैं। यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात लोग जो है पीछे बैठा हुआ और हम लोग यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं आगे बैठे हैं, तो कुल मिला के 10 लोग बैठ गए हैं। फिर भी 1-2 लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। अब मैं यहाँ से आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगी, इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी और आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं गाड़ी का, अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितने लोग बैठे हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं जो इसका टेस्ट है वो इसका फुल लोड कैपेसिटी में देखने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 8 से 10 लोग, जी हाँ दोस्तों, 10 लोग बैठ करके इस गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। और ये गाड़ी 10 लोगों के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, ये गाड़ी डिज़ाइन किया गया है 5 लोगों के लिए, इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर एडजस्ट करके उस सीट को बना दिया जाए तो ये 6 लोग बैठा जा सकता है इस गाड़ी में। और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी मजबूत गाड़ी है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो पूरा गाड़ी मेटल बॉडी से बना हुआ और काफ़ी मजबूत बना हुआ है ये गाड़ी। और इसकी बैटरी की मैं बात करूँ तो टाटा का बैटरी इसमें लगा हुआ है, टाटा नेक्सॉन ईवी में जो बैटरी आती है सेम बैटरी इस गाड़ी में लगा हुआ है, बजाज की ऑटो में लगा हुआ ये बैटरी, जो कि अपने आप में बहुत ही खास बात है, बहुत बढ़िया बात है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, आपको इसमें चार्जर अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, चार्जर इसके साथ में आपको लेके कंपनी फिक्स्ड कर दिया है। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा केबल लेके कैरी करना है, अगर आप कहीं पे भी जाएँ तो एक छोटा सा केबल लेके कैरी करें, उसी से आपका काम हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों और चलते हैं, इसका एक ऑन रोड आपको टेस्ट दिखाते हैं कि ऑन रोड में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, कितना स्पीड निकाल के देती है। क्योंकि कंपनी बोलती है ना इको मोड में 40 का स्पीड और पावर मोड में 45 का स्पीड, तो इसका स्पीड टेस्ट करते हैं कि क्या सच में ये 40 या 45 का स्पीड निकाल के देती है या ज़्यादा स्पीड निकाल के देती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का, और काफ़ी स्मूथ ये गाड़ी चल रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए हैं। 2 लोग तो आप आगे जैसे कि देख रहे होंगे, इस साइड हम लोग टोटल 3 लोग पीछे बैठे हुए हैं, यानी टोटल 5 लोग अभी हम लोग बैठ कर इस गाड़ी को एकदम स्मूथली चला रहे हैं। और मैं आपको स्पीड भी दिखाता चलता हूँ, ये देखिए लगभग 52-53 में ये गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, पता भी नहीं चल रहा कि ये गाड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी को लेकर के आ गए हैं एकदम ढलान वाले रास्ते में और यहाँ पे भी हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं इस गाड़ी का, और देखते हैं ये गाड़ी उखड़ खाबड़ रास्तों में कैसा परफॉर्म करती है, कैसा निकलती है और कैसा वापस चढ़ती है। साथ ही साथ में आपको मैं बताता चलूँ कि इस गाड़ी में आता है हिल होल असिस्ट, जो कि आपको हेल्प करता है अगर आप चढ़ाव में चढ़ रहे हैं और आपको रुकना पड़ जाए तो ऑटोमेटिक ये गाड़ी ब्रेक लगा देगी, जिससे आप पीछे नहीं आ पाएंगे और गाड़ी पीछे नहीं आएगी तो आप सेफली ड्राइव कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इसका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। अभी तो काफ़ी आसानी से ऊपर से नीचे आ गया ये गाड़ी और काफ़ी बुरा रास्ता है दोस्तों, ये काफ़ी बुरा रास्ता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए इसका अपहिल टेस्ट होने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं कितना हाइट है, वहाँ पे हमने 2 बंदे खड़े करके रखे हैं ताकि आपको हाइट का अंदाज़ा लग सकता है। और रास्ता जो हिसाब से आप देख सकते हैं कि एकदम रास्ता बिल्कुल भी ख़राब है, थोड़ा भी रोड नहीं है, एकदम ऑफ रोड में हम लोग टेस्ट करने वाले। और देखिए किस हिसाब से गाड़ी जो है इस टेस्ट को हम लोग को पास करेगा। और यहाँ पे देखिए कितना पिकअप है, आप देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे गाड़ी को रोक रोक के चलाया जा रहा है ताकि आपको एक बार में भी गाड़ी को चलाने नहीं है। और यहाँ पे देखिए कितना आराम से जो गाड़ी है वो हमारा जो है अपहिल को पार कर गई है, आप देख सकते हैं। तो इसका आपका पावर का जो इसका मोटर का परफॉर्मेंस आपने अपने स्क्रीन में अच्छे तरीके से देख लिया है, इस गाड़ी से आपको थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप इसके अलावा डीजल वाला गाड़ी लाते हैं, इंजन वाली गाड़ी रहता है, तो शायद आपको वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, बट ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको थोड़ा भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ा आपको। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ओवरऑल इसका पूरा ड्राइविंग रिव्यू, कमेंट्स में आप जरूर बताएं। और नेक्स्ट इसका पूरा ओवरऑल गाड़ी का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइसिंग है, क्या शोरूम प्राइस है, क्या इसका बैटरी रेंज, सारी चीज़ों का एकदम डिटेल्स में एक रिव्यू वीडियो में जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो उससे भी सपोर्ट करें, उसे भी देखें। और आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।